नमस्कार, आप देख रहे हैं सीएमएन। मैं हूं आपके साथ कनिका। सबसे पहले बात करते हैं राजस्थान के करौली की, जहां पर एसपी ने बालाघाट और श्री महावीर जी थाने का वार्षिक निरीक्षण किया। एसपी ने थाने का रिकॉर्ड जांच कर पुलिस कर्मियों को कानून व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश दिए, साथ ही पुराने मुकदमों का जल्द ही निस्तारण करने की बात कही। मैडम, आपके करौली पुलिस अधीक्षक कार्यभार संभालने के बाद जो नशे के खिलाफ कार्रवाई हुई है, लोगों की अपेक्षा है कि वो लगातार जारी रहेगी, और आगे आप इस पर क्या कार्रवाई कर रहे हो? अभी आने वाले समय में हम लोगों ने प्लानिंग की है कुछ, कि न केवल स्मैक बल्कि अन्य प्रकार के भी जो नशे हैं उनके विरुद्ध व्यापक अभियान चलाएं, और जो ड्रग पैडलर्स हैं, हमारा विशेष ध्यान उन लोगों पर है कि हम लोग उनको अपने इलाके से बाहर कर दें, और अगर हमारे पकड़ में आते हैं तो सबसे अच्छी चीज़ है, अदरवाइज़ हम अभियान की इतनी निरंतरता बनाए रखें कि वो लोग जगह छोड़कर यहाँ से चले जाएं। बाकी आने वाले दिनों में लोकसभा चुनाव भी हैं, होली भी है, और करौली ज़िले में जैसे महावीर जी का मेला भी आ रहा है, बालाजी का मेला भी आ रहा है, कैला देवी जी का भी मेला आ रहा है, तो इन सबको देखते हुए ट्रैफिक व्यवस्था और वारदातें ना हों और शांतिपूर्ण तरीके से ये सभी आयोजन हो जाएं, इसके लिए हम लोग विशेष तैयारियों में जुटे हुए हैं। जी मैडम।